जल्दी काम निपटाओ, सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं। अगर काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ ना तो डायरेक्टर हमारी बैंड बजा देगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हमारी एक्ट्रेस आयशा कहाँ है अभी तक? मैं रेडी हूँ डायरेक्टर साहब, चलिए शुरू करते हैं। आयशा मैं आपको बताता हूँ, ये जिस्ट कंपनी वालों का जो नारा है ना कि ये बैग इतना हल्का है कि आप इसके साथ उड़ान भी भर सकते हैं, ठीक है? और आपको एक एक बैग उठा करके दर्शकों को दिखाना है। ये कैसा नारा है भाई? देखो नारा जैसा भी है यही है, हमें एड फिल्म शूट करनी है और क्लाइंट्स को खुश भी करना है, ठीक है? तुम इधर आओ, यहाँ आकर के खड़ी रहिए और अब यहाँ से चलते हुए आप शुरू करेंगी और एक एक बैग उठा कर करेंगी, ठीक है? और वो नारा बताएंगी, दर्शकों को बैग दिखाएंगी, ठीक है? चलो एवरीथिंग इज रेडी, नीचे आओ, चलो 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 नीचे चलो, रेडी कैमरा एंड एक्शन। जस्ट बैग्स, ये इतने हल्के हैं कि आप इनके साथ उड़ान भी भर सकते हैं। ये देखिए कितने हल्के हैं ये सूटकेसेस। Got it. आयशा आपका फोन बज रहा है। नहीं, मेरा फोन तो वैनिटी में है। तो फिर किसका फोन बज रहा है? मुझे क्या पता। एंडी आपका फोन बज रहा है? सर मेरा फोन तो ऑलरेडी स्विच ऑफ है। तुम्हें यहाँ के रूल्स तो पता है ना? सर मैंने सबको फोन ऑलरेडी स्विच ऑफ करने को बोल दिया था। तो फिर सबके फोन ऑफ है तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है यही कहीं से आ रही है। यहाँ से? हाँ। चलो देखना हो कहाँ से। मुझे लगता है इसमें से आ रही है। डायरेक्टर साहब शूटिंग के दौरान मोबाइल फोन की घंटी बजी इस सूटकेस में और जब आपने सूटकेस खोल के देखा तो आपको अंदर इंसान के टुकड़े मिले। हाँ सर, इतना भयानक नजारा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हमारी एक्ट्रेस आयशा तो बेहोश हो गई थी। सर ये रहा वो मोबाइल जो बज रहा था। सोलह मिस्ड कॉल्स एक ही नंबर से, वो भी एक लैंडलाइन का नंबर है। सर ये नंबर कहीं इसके घर का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता ये नंबर उसके घर का है, क्योंकि अगर उसके घर का नंबर होता तो नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, होम या सेल्फ, ऐसे लिखते हैं ना। नहीं, ये इसके घर का नंबर नहीं। निखिल काम करो, पता लगाओ ये नंबर किसका है। फ्रेडी बैग सब अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। अच्छी तरह से बस। हाँ ये खूनी तो कोई अनाड़ी है, अपना पर्स ही छोड़ गया। ये पर्स इस आदमी का ही हो? जैसा उनकी देख, कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिलता है क्या? नोटों के साथ इसमें ये देखो ये कार्ड है। माय गॉड, पुलिस ऑफिसर का आइडेंटिटी कार्ड है। पुलिस ऑफिसर? हाँ, इंस्पेक्टर अरुण सिद्धार्थ। अरुण सिद्धार्थ? हाँ अरुण सिद्धार्थ, तुम जानते हो इसे? नहीं सर। आप लोगों में से कोई और जानता है अरुण सिद्धार्थ को? नहीं, हम में से कोई नहीं जानता ही नहीं। ये मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, समझे? कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इंस्पेक्टर अरुण का और आपके शूटिंग का, वरना लाश के टुकड़े बैग में भरकर लाएंगे कैसे यहाँ पर? सर ये जरूर मेरे किसी दुश्मन का काम होगा। मैं कुछ ही दिनों में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ, हो सकता है इसीलिए उसने। नहीं, 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 नहीं। ये तुम्हारे दुश्मन का काम ही नहीं, समझे? तुम्हारे दुश्मन का काम नहीं, तुम्हारा ऐसा कोई दुश्मन है जो पुलिस वाले का खून करेगा तुम्हें फंसाने के लिए? है हिम्मत? सर हाँ, मैंने सारे सूटकेस चेक कर लिए सर, सबके सब खाली है, कुछ भी नहीं है। सारी की सारी सूटकेसेस खाली है? हाँ सर। सर खाली तो ये सूटकेस भी था, मालूम नहीं इसमें लाश के टुकड़े कहाँ से आ गए। ये लाश अपने आप चल कर नहीं आई है बैग में, किसी ने डाली है, उसे बैग में रखी है बैग में, समझे? और ये काम तुम में से ही किसी ने किया। सर हम में से किसी ने? और क्या, स्टूडियो के अंदर कोई बाहर वाला तो आ नहीं सकता।
जरूर आप में से ही कोई इसका जिम्मेदार है। बताओ तुम में से किसी ने देखा किसी को यहाँ ये बैग लाकर रखते हुए? किसने रखी है बैग? सर ये सूटकेस तो कुणाल ने रखा था। कुणाल ने रखे थे? ये कुणाल कौन है? कुणाल हमारा आर्ट डायरेक्टर, वो सूटकेस रखकर चला गया और उसके बाद दिखाई नहीं। और दिखेगा भी कैसे, अपना काम करके गायब हो गया? अगर कुणाल ऐसा करेगा क्यों? ये तो कुणाल ही बताएगा। सर इस फोन पे जिस लाइन से फोन आया था वो नंबर एक कॉलेज का है। कॉलेज का? हाँ सर, JMZ कॉलेज। JMZ कॉलेज। सचिन काम करो, तुम और निखिल इस JMZ कॉलेज में जाओ और पता लगाओ, देखो चक्कर क्या है। क्या क्या कहा आप लोगों ने? अरुण जी का खून हो गया है। Oh my God। इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछता हूँ ये क्या होता जा रहा है हमारे समाज को, जहाँ अच्छे भले लोगों का खून हो रहा है और मुजरिम है कि बिना लगाम आजाद घूम रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा, कलयुग आ गया है इंस्पेक्टर साहब, कलयुग, घोर कलयुग। ये बात तो है प्रिंसिपल साहब, लेकिन हम CID वाले मुजरिमों को पकड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। देखिए आप मुझे ये बताइए कि आपके कॉलेज से मिस्टर अरुण को इतने फोन कॉल्स क्यों आ रहे थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आज की शाम हमारे कॉलेज का सालाना जलसा है। इस जलसे में अरुण जी मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे। आपको बताया कि वो नागपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी सूरत में कल रात तक मुंबई पहुंच जाएंगे। अब जब वो देर रात तक नहीं पहुंचे तो मैं ही उन्हें फोन कर रहा था बार बार, लेकिन मुझे क्या पता था कि अरुण जी अभी दुनिया में नहीं है, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा आप ये बताएंगे कि आपकी अरुण जी से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? बेटा यही कोई शाम के 7 बजे, उस वक्त वो रास्ते में थे पुणे में। मुझसे कह रहे थे प्रिंसिपल साहब आप कतई चिंता मत कीजिए, मैं 2-2.5 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि वो कभी मुंबई नहीं पहुंचेंगे, कभी मुंबई नहीं पहुंचेंगे। ओह, तो इसका मतलब मिस्टर अरुण के साथ जो कुछ भी हुआ है पुणे से मुंबई के सफर के बीच ही हुआ है। अच्छा तो अरुण नागपुर से मुंबई आ रहा था, पर जब वो प्रिंसिपल के साथ बात कर रहा था तो उस वक्त तो पुणे के आसपास था, है ना? तो फिर सचिन इसका एक ही मतलब हो सकता है कि अरुण का खून मुंबई पुणे हाईवे पे ही हुआ है। हाँ मुंबई पुणे हाईवे पे, ठीक है ओके। सर मुझे लगता है कि खूनी जो कोई भी है उसे अरुण की एक एक हरकत के बारे में अच्छी तरह पता था। वो जानता था कि कल रात अरुण मुंबई आने वाले थे अकेले और वही सही मौका होता उन्हें खत्म करने का। बिल्कुल रजत, जो भी कोई है और उनके आसपास का ही कोई है, उसके आसपास का ही कोई। बस आसान के कुछ मिला क्या? हाँ, इस बैग के यहाँ पॉकेट में देखो ये कुछ निकाल निकाल, ये तो कोई कागज का टुकड़ा है। चिट्ठी भी हो सकती है सांके। बिल्कुल Catch me if you can. Catch me if you can. पुलिस वाले का खून करने के बाद अब हम CID वालों को चुनौती दे रहा है। अपने आप को कानून से ऊपर समझने की गलती कर रहा है सर, बचेगा नहीं। हाँ तारिका, कितने बजे मौत हुई कुछ पता चला? सर इसकी मौत कल रात करीब 11 बजे हुई होगी। 11 बजे? चीख कैसे? फ्रेडी सारुखी के साथ रहो, चलो तारिका हमारे साथ चलो। क्या हुआ यहाँ, कौन चीख रहा था? सर वो कुणाल। कुणाल इसकी पल्स तो चालू है, तारिका देखो जरा। सिर पे वार किया किसी ने। ये देखो
इससे मारा है। कुणाल, 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 कौन कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए। वो लड़की? लड़की? कौन सी लड़की? सर शूटिंग से कुछ देर पहले एक लड़की आई थी सेट पर। उसने कहा कि जो सूटकेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ खराबी है, इसलिए उसकी जगह हम लोग लाल रंग वाला सूटकेस इस्तेमाल करें। कौन थी वो, जानते हो तुम उसे? नहीं सर, पहले उसे कभी देखा नहीं सर। पहले कभी देखा नहीं और ऐसे ही तुमने उसकी बात मान ली? एक बार चेक करने की कोशिश तक नहीं की कि सूटकेस के अंदर है क्या? सर उस लड़की ने कहा था कि वो उस सूटकेस कंपनी की तरफ से आई है जिस सूटकेस कंपनी का हम लोग एड फिल्म शूट कर रहे हैं, और सर वैसे भी सेट पर हम लोगों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम लोग सांस भी ले सकें, तो मैंने उस सूटकेस को ले जाकर सीधे सीधे और सूटकेस के साथ रख दिया। और ये चोट तुम्हारे सिर पर जो लगी है वो कैसे आई? सर जैसे ही मुझे लगा कुछ गड़बड़ है मैं उस लड़की के पीछे भागा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो आप लोग सामने थे। ठीक से देखा उस लड़की को तुमने? हाँ? बता सकते हो कैसी दिखती है वो? हाँ सर, वो अच्छी तरह याद है। गुड, रजत, इसके साथ उस लड़की का स्केच बनवा लो। सर, सचिन, तुम और निखिल इसी वक्त मुंबई पुणे हाईवे पे चले जाओ और देखो अरुण के बारे में कुछ पता चलता है क्या। सर, सर ये वो जगह जहां अरुण अपनी पत्नी नीलिमा से बात करने के लिए रुका था। एग्जैक्टली यही जगह? हाँ सर। सर मोबाइल कंपनी वालों ने बताया था कि निलमा ने अपने पति अरुण को रात 10:20 में कॉल किया था और ठीक 40 मिनट के बाद यानी 11 बजे उसकी मौत हो गई। अच्छा, ये अरुण की बीवी निलमा ने अरुण की गाड़ी की फोटो से भेजी है ना? हाँ सर। ये देखिए सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अरुण अपनी बीवी से बात करने के लिए अगर इस जगह पर रुका और उसी वक्त उस पर हमला हुआ तो इस जगह पर निखिल, बिल्कुल वैसा ही लाल रंग का सूटकेस देखो सर। सर सूटकेस के अंदर से ना ही कोई वाइब्रेशन और ना किसी और तरह की आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें? खोलो जा। जिस बात का डर था वही हुआ, एक और कटी हुई लाश।
आसाम के कहां तक पहुंची तेरी गाड़ी? बस गाड़ी मंजिल पर पहुंचने वाली है, बस जरा सा भटक रही है। अरे सर आप ये बता दीजिए कौन से रास्ते पे मंजिल तक हम लोग पहुंचा देंगे। अभिजीत ये जो खूनी है ना, मुझे लगता है इसे पुलिस वालों से कुछ ज्यादा ही नफरत है। ओ, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर अरुण को मारा है इसके लिए? सिर्फ अरुण ही नहीं सर, ये दूसरी वाली लाश भी एक पुलिस वाले की है, इंस्पेक्टर सुरेश कुमार। हाँ सर एक मिनट। सर ये उसका वॉलेट और उसमें ये आईडी प्रूफ। सर ये वॉलेट उस खूनी ने एक थैली में छुपा कर रखा था, और जानते हैं वो थैली उसने कहाँ छुपा कर रखी थी? कहाँ? लाश के कंधे को काट कर वहां पर छुपा के रखी थी वो थैली। माय गॉड, खूनी बिल्कुल सिरफिरा है, काफी टॉर्चर किया होगा उसने इन लोगों को। नहीं अभिजीत, टॉर्चर बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट इन लोगों को जब काटा जा रहा था इन्हें दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ होगा। ये कैसे पता चला? बताता हूं, ये बॉडी पर ये कट देख रहे हैं आप लोग, एकदम सीधा है, स्ट्रेट। और बॉस ऐसा कट तो तभी पॉसिबल है जब जिसे काटा जा रहा हो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा, एकदम स्थिर। इसका मतलब है ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स या तो मर चुके थे या बेहोश थे। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता। सर उस लड़की का स्केच बन गया है जिसे शूट पे देखा गया था, ये तो ये है वो लड़की जो बार बार हमें चुनौती दे रही है और लाशों को ऐसे छोड़कर जा रही है ताकि हमें आसानी से मिले, और उन लाशों के साथ साथ उनका आईडी भी। हाँ सर, और मार भी रही है तो सिर्फ पुलिस वालों का। हाँ अभिजीत, लेकिन ये लड़की है कौन? है कौन ये लड़की? इससे पहले कि ये किसी और पुलिस वाले को शिकार बनाए हमें इसे पकड़ना होगा। तो आप ही हैं इस ढाबे के मालिक? जी साहब। एक आदमी आपके ढाबे के सामने सूटकेस रख के चला गया और आपको पता ही नहीं चला? समझ में नहीं आता साहब, पता नहीं वो बक्सा यहाँ कौन रख कर गया। कुछ तो याद होगा आपको, हो सकता है कोई अनजान गाड़ी आई हो या फिर कोई अनजान आदमी, किसी पे शक है आपको? अनजान गाड़ी याद आया साहब, कल रात एक सफेद रंग की गाड़ी दिखी थी। सफेद गाड़ी दिखाई दी थी? हाँ साहब, काफी देर तक यहीं खड़ी थी। वो गाड़ी काफी देर तक यहीं पे खड़ी थी? लेकिन साहब मैं जब सुबह उठा तो वो गाड़ी यहाँ नहीं थी। ये सफेद गाड़ी तो अरुण की भी है। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ साहब। बोलो क्या बात। उस गाड़ी के पीछे की बत्ती नहीं थी। ये अरुण की गाड़ी की पीछे की लाइट भी तो टूटी हुई थी। गाड़ी ये थी? हाँ साहब ये वही गाड़ी थी। यही गाड़ी थी? ये स्केच को ध्यान से देखिए, इस लड़की को पहचानते हैं आप? हाँ नहीं साहब, इनको पहले कभी नहीं देखा साहब। देखिए ध्यान से देख के बताइए, हो सकता है ये मेम साहब सफेद गाड़ी के अंदर बैठी हो। नहीं साहब, गाड़ी में तो कोई आदमी बैठा था। ध्यान से देखो, वो आदमी ये था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था, वो तो कोई और ही आदमी था। इसका मतलब ये जो खून हो रहे हैं उसमें इस औरत के अलावा कोई आदमी भी शामिल है। सर हो सकता है वही आदमी अरुण का खूनी और अरुण की गाड़ी का इस्तेमाल सुरेश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कर रहा है। हो सकता है निकल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि खूनी खून करने के बाद लाश को छिपाने के बजाय लाश के टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में डालकर लोगों के बीच में क्यों रखता है? क्या मकसद हो सकता है उसका? आप साक्षी जी? हाँ, पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। जी मैं सीनियर इंस्पेक्टर रजत, सीआईडी से। सुरेश ठीक है ना? एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के घर तभी जाता है जब। क्या हुआ है सुरेश को? आप अंदर चलिए, हम लोग बताते हैं आपको। सुरेश
रोज सुबह घर से जाने से पहले खुद अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर लगाते हैं और मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि शायद ये उनका आखिरी दिन होगा। इसलिए प्लीज जो भी बात है साफ साफ कहिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ, सच सुनने की ताकत है मुझ में। एक पुलिस वाले की बीवी होना अपने आप में वाकई बहुत गर्व बहुत हिम्मत की बात होती है। जी सर मैं जानती हूँ, बताइए क्या बात है। I'm really sorry, ma'am. आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। किसने किया ये सब? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शक है किसी को? सुरेश ने बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ा था, कोई भी हो सकता है। आपने सुरेश जी के मुंह से कभी इंस्पेक्टर अरुण सिद्धार्थ का नाम सुना था? नहीं। आज सुरेश जी घर से कितने बजे निकले थे? दोपहर 2 बजे। उनकी लक्ष्मी नगर में कोई मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग? सूर्य चैरिटी नाम की एक संस्था है जो कि एक ट्रस्ट खोलना चाहती है, उसके सिलसिले में। सूर्य चैरिटी, थैंक यू मैम, अपना ख्याल रखिएगा। मैं सुरेश की लाश को कब लेने आ सकती हूँ? एक्चुअली मैम लाश की हालत बहुत खराब है, खूनी ने आपके पति के टुकड़े टुकड़े करके बैग में। ठीक है जो भी है मुझे बता दीजिएगा, मैं कब सुरेश को ले जा सकती हूँ? जी कोई ना कोई संबंध तो जरूर है इन दोनों के बीच में, इस अरुण और सुरेश के बीच में संबंध है ना सर, ये दोनों पुलिस वाले हैं। हाँ निखिल ये पुलिस वाले तो है ही, पुलिस वाले तो है ही, लेकिन कोई और कनेक्शन है जो खूनी ने सिर्फ इन दोनों का ही खून कर दिया। मगर क्या क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन मिल गया सर, ये अरुण और सुरेश दोनों एक समय एक ही पुलिस स्टेशन में थे, सी स्कीम पुलिस स्टेशन में। ओ देखा ये चक्कर है। और तो और सर इन दोनों ने ही कुछ समय से पुलिस की नौकरी छोड़ रखी थी। इस अरुण ने अक्टूबर 2009 में नौकरी से संन्यास ले लिया ये कहकर के सेहत ठीक नहीं रहती, और इस सुरेश ने नवंबर 2009 से यानी अरुण के नौकरी छोड़ने के ठीक एक महीने बाद से ही छुट्टी ले ली, एक लंबी छुट्टी जो अभी तक चल रही। अच्छा फिर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, वरना ये दोनों भी पुलिस की नौकरी छोड़कर भाग क्यों गए? लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है? क्या सर हो सकता है कि उस पुलिस स्टेशन में दोनों एक ही केस में काम कर रहे हो और उस केस में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये दोनों पुलिस की नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो गए? तो फिर बस दोनों की कुंडलियां निकालो, पता लगाओ कौन कौन से केस पर ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। सॉरी ऑफिसर आने में देर हुई, मेरा नाम मनीष है और यही डॉक्टर आशा। नमस्ते, हमें बहुत धक्का लगा इंस्पेक्टर सुरेश की मौत से। वाकई हमने तो क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी कि साथ मिलके सूर्या चैरिटी का ट्रस्ट खोलेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, समाज सेवा करेंगे, पर सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। इंस्पेक्टर सुरेश जब आखिरी बार अपने घर से निकले थे तो यहीं के लिए निकले थे, वो यहाँ पहुंचे थे या नहीं? पहुंचे तो थे लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए। क्या सुरेश जी ऑफिस में आए थे फिर भी आप लोग उनसे मिले नहीं, ऐसा क्या? बड़ी अजीब चीज हुई सर, जब वो हमारे ऑफिस आए तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि उन्हें बिठाओ चाय वगैरह पिलाओ, 5 मिनट बाद जैसे मैं ऑफिस से बाहर आया देखा वो थे ही नहीं। मतलब इंस्पेक्टर सुरेश आपके ऑफिस आए और 5 मिनट के अंदर अंदर बिना आपसे मिले
यहाँ से वापस चले गए। वही तो, उनका फोन भी आउट ऑफ रीच चला गया था, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर आपने सेक्रेटरी से पूछा नहीं कि वो अचानक चले क्यों गए? पूछा था, बट कोमल भी हैरान थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, कोमल को बुलाइए, शायद वो हमें कुछ बता सके। मगर कोमल तो आज ऑफिस आए नहीं। What? कोमल आज ऑफिस ही नहीं है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमल की जान को भी खतरा हो? कोमल की जान को खतरा है, या वो भी इन खूनियों से मिली हुई है, ये तो उस कोमल से मिलकर ही पता चलेगा। हमें उसका एड्रेस बताइए। जी, एक मिनट। लीजिए कोमल की डिटेल्स। ये तो वही लड़की है जिसने शूटिंग के दौरान अरुण की लाश वाला सूट केस वहां रखा था। सर, जिस बात का डर था वही हुआ। कोमल का एड्रेस नकली निकला। अच्छा, तब चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है हमारे साथ ये कोमल। असली सबूत छोड़ती है हमारे लिए, लेकिन अपना खुद का एड्रेस नकली। पर सर, उसका फोन नंबर तो असली है। किसी तरह से ये पता चल जाए कि उसका फोन कहाँ है, अपने आप पकड़ी जाएगी वो। सर, कोमल के मोबाइल का पता चल गया। हाईवे नंबर 35 के पास वाले जंगल में उसके मोबाइल का सिग्नल पकड़ रहा है। हाईवे नंबर 35? तो सर फ्रेंड, चले जाओ वहां पर जल्दी। यस। अब देखते हैं। सर, हाँ सर, एक सीरियल किलर का केस मिला है जो ठीक वैसे ही खून करता था जैसे इस केस में हुआ। सीरियल किलर? हाँ सर, 4 साल पहले 2008 में कोल्हापुर में अभय नाम का सीरियल किलर था सर। तो ठीक इसी तरीके से खून करता था, लाशों के टुकड़े करता था, लाल सूटकेस में रख के ऐसी जगह रखता था जहाँ पे पुलिस को आसानी से मिल सके। सर, कहीं ये कोमल अभय की कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं जो उसी की तरह नकल करके खून कर रही हो? हो सकता है। अब जी देखो, इस अभय का कोई फोटोग्राफ वगैरह है क्या? सर, फोटो तो होगी। ये अभय, ये तो वही आदमी है जिसे उस ढाबे वाले ने देखा था, जिसका स्केच बनाया था। अभी जरा वो स्केच लेके आना जरा। सर, अभय ये है। अभय, इसका मतलब है ये अभी जेल में नहीं है, बाहर है ये, और कोमल की मदद से खून पर खून किए जा रहा है। इसका इतिहास तो वही पुलिस ऑफिसर बताएगा जिसने इसे 2008 में पकड़ा था। कोई सीनियर इंस्पेक्टर शेखावत है सर। क्या नाम बताया? सुरजन सिंह शेखावत, जानते हो? अरे हाँ, वो तो मेरा बैचमेट था, हम लोग पुलिस ट्रेनिंग में साथ में थे, बहुत अच्छा ऑफिसर है। सुरजन सिंह शेखावत। जय हिंद सर। साहब, आप कुछ करो, आज मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। आप तो कुछ दिन पहले भी आए थे ना? हाँ साहब। आपने अपनी बेटी से बात की कंप्लेंट करने के लिए? हाँ साहब, पर वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। पर साहब, आप कुछ कीजिए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। हम क्या कर सकते हैं माँ जी, प्रोसीजर तो प्रोसीजर होता है ना। देखिए ना साहब, क्या हाल कर दिया है उस राक्षस ने। तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा है। कर तिवारी, वही वाला चौल में रहते थे। हाँ सर। सर क्या हुआ? सुना है तेरे को अपनी पत्नी पे मर्दानगी दिखाने का बड़ा शौक है। तो
मजाक कर रहा था साहब, मजाक मजाक में हाथ तोड़ देगा तो उसका। मजाक कर रहे तू, मजाक कर रहा है? अभी पता चला मजाक मजाक में कैसा दर्द होता है? हंसी नहीं आ रही तेरे को? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। माफ कर दो। इधर देख, सुरजन सिंह शेखावत नाम है मेरा। तेरी जो सास है ना, मेरी बुआ लगती है। तो तेरी पत्नी क्या हुई मेरी, बोल। बहन, बहन साहब। हाँ बहन, तेरी पत्नी ने तेरे खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया, नहीं तो अभी जेल में होता था तू। घर जाके पैर छूना उसके, और दोबारा मजाक किया ना उसके साथ, तो टाड़ा मैं अंदर करवा दूंगा। टाड़ा समझता ना क्या है? रानी 10 में से 9 बार हम अपना काम वक्त पर सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते? क्यों सर? प्रोसीजर। सर, कोमल का मोबाइल यहीं पे दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है? घंटी तो बज रही है और आवाज भी आसपास से ही आ रही है। एक सेकंड, उधर से आ रही है। चलो। ये कोमल फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं उसे भी कुछ हो तो नहीं गया? ये भी हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो और वो तोहफे के रूप में हमें एक और सबूत देना चाहती हो। ऐसा हो सकता है सचिन। ये देखिए सर, ये रहा कोमल का मोबाइल। ये देखिए, मगर कोमल कहाँ है? हाँ फ्रेडी, आसपास कोमल का कोई अता पता नहीं। आखिर ये कोमल चाहती क्या है? ये देखो, गाड़ी के टायर के निशान, वो भी ऐसी जगह पे। देखते हैं ये निशान हमें कहाँ लेके जाता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सबूतों की तरह कोमल ने जानबूझ के ये टायर के निशान हमें फंसाने के लिए छोड़े हैं? जिस तरह से मकड़ी मक्खी को फंसाने के लिए जाल बिछाती है, उसी तरह कोमल ने हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया है, और हम लोग बेवकूफों की तरह उसके बनाए हुए जाल में फंसते ही चले जा रहे हैं, फंसते ही चले जा रहे हैं। शायद वो नहीं जान रहा कि CID के सामने बड़े बड़े मुजरिम अपने जाल में खुद ब खुद फंस जाते हैं। सर, है तो कोई ये जाल ही, क्योंकि ऐसी जगह में कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान। वो देखिए सर, ये टायर के निशान शायद इसी गाड़ी के होंगे। ये गाड़ी तो अरुण की है। ओ, यहाँ ठिकाने लगाई गई है अरुण की गाड़ी। एक काम करो, आसपास चेक करो, हो सकता है कोमल यहीं कहीं छुपी हो। सर, वो देखिए सर, घर जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं फ्रेडी, यहाँ पर किसी का घर तो हो नहीं सकता, हो सकता है कोमल यहीं छुपी हो। मैं देखता हूँ सर। हेलो, कितने लोग थे? 4 लोग थे। और ये कितने बजे हुआ? करीबन 9 बजे। गया? तंदुरुस्त हो गया तू? हाँ, तुम काफी पतले हो गए। चल रही बॉक्सिंग? हाँ कभी कभी। बिल्कुल नहीं बदला है यार। ओके सर, सीनियर इंस्पेक्टर शेखावत सर। शेखावत, 3 साल पहले तुमने अभय नाम के खूनी को पकड़ा था। वो लोगों को काटकर लाल रंग के सूटकेस में भर के रख देता था, और साथ में नोट भी छोड़ता था, कैच मी इफ यू कैन। मुझे याद है सर। ये है ना वो? ये स्केच बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये फिर से खून करने लगा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसकी तो एक हादसे में मौत हो चुकी थी। जब उसे कोर्ट से जेल ले जा रहे थे तो पुलिस की वैन खाई में गिर गई थी,
उसमें आग लग गई थी और सब कुछ जलकर राख हो गया था। मगर शेखावत फिर से उसी तरह से खून होने लगे और अभय को भी किसी ने देखा है। सर एक लड़की आई है आपसे मिलना चाहती है। मैं बात कर रहा हूँ, देवव्रत से मिला दो। सर वो कह रही है आपसे ही काम है। क्या काम? वो तो सर आपको ही बताएगी। कहाँ है? बाहर है सर। चलो। सॉरी सर, इतनी जरूरी काम है तो अंदर क्यों नहीं आ रही? सर मैंने तो समझाया था उसे, पर वो मानी नहीं। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलो अंदर चलते हैं। जगह तो बिल्कुल खाली लग रही है, अंदर चेक करते हैं। ये सब क्या है यहाँ पे? ये है वो जगह जहां कोमल और शायद वो सीरियल किलर अब है लाशों के टुकड़े करते हैं। मुझे तो घिन आ रही है ये सोचकर कि ना जाने क्या क्या होता होगा इस कमरे में। एक काम करो, चेक करो, जरूर कुछ और सबूत मिलेंगे। ये देखिए, शायद जिन जिन लोगों को मारा गया है उन सब की कुंडली है। ये देखिए कौन कब कहां जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए जिन ऑफिसर्स को मारा गया है उनकी फोटोग्राफ्स, अरुण, सुरेश, एक मिनट, ये क्या है? ये तीसरी फोटो किसकी है? कहीं आदमी उनका अगला शिकार तो नहीं? हो सकता है। कहाँ है? सर पता नहीं कहाँ चले गए सर। इतनी जरूरी बात थी तो चली क्यों गई? कहाँ खड़ी थी? सर यही तो थी अभी, पता नहीं किधर चली गई। एक ही बात बोले जा रही थी, शेखावत सर को बुलाओ, शेखावत सर को बुलाओ। सर लाल रंग का सूटकेस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.